मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। आजमगढ़ के निजामाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति पर एक अच्छी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, वहीं जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है और अविवादित पत्रावलियों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, जिससे अधिवक्ता समाज आक्रोशित होकर आज समाज ने सभागार में मीटिंग करने के बाद अधिकारियों के न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए पूरे तहसील प्रांगण में नारे लगाते हुए प्रशासन का विरोध किया। वहीं बार के पूर्व अध्यक्ष खलीकुजमा ने कहा कि आज इस प्रदेश में जहां योगी जी एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यक समाज से होते हुए भी उनके क्रियाकलाप से खुश हैं, लेकिन निजामाबाद तहसील प्रशासन सरकार की मंशा के विपरीत आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कार्यालयों में काम करने वाले लिपिक अधिवक्ताओं से बिना पैसे लिए कार्य नहीं करते हैं। इन सब बातों को लेकर आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय उर्फ मनोज राय, मंत्री मिठाई लाल की अध्यक्षता में मीटिंग कर आज अदालतों का बहिष्कार किया गया है तथा कल भी बार सभागार में बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने, देखिए रिपोर्ट। आजरिया अधिवक्ता क्यों दलित हुए हैं? इस तहसील में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अविवादित पत्रावली जो बैनामे के जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, उसकी दाखिल खारिज करने के लिए 5,000-5,000 रुपए मांगे जाते हैं। हम लोग त्रस्त हो गए हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ पत्रावलियाँ सब पेंडिंग पड़ी हैं। अगर कोई वकील नाट प्रेस कर देता आपत्ति तो उसको भी कहते हैं पैसा दो 5,000-10,000, नहीं तो तंग करते हैं। इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोग आंदोलित हैं। SDM के यहाँ धारा 24 के 116 के फाइल में कई अविवादित पत्रावलियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन आदेश आज तक नहीं हो रहा। उसमें टाइप बाबू पेशकार हमारे SDM साहब सब लोग एक दूसरे से मिलित हैं, मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ दलालों का काम होता है। अगर कोई दलाल गया 20,000-25,000 का सौदा किया, उसका काम हो जाता है। नहीं तो खारिज दाखिल का तो समय सीमा निर्धारित होती है ना? समय सीमा निर्धारित होने के बाद 35 दिन होने के बाद 65 दिन तक रोका जाता है, दो दो तीन तीन महीने रोका जाता है। पैसा पाते हैं तब होता है। अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो कोई भी दाखिल खारिज 35 दिन के अंदर नहीं होती है। सारी दाखिल खारिज ही दो दो तीन तीन महीने लटका के देते हैं। अमल दरामद भी नहीं होती है, फीडिंग नहीं होती है, काश्तकार परेशान है। इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोग इस आंदोलन पर उतर आए हैं। हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का फरमान है कि भ्रष्टाचार जीरो हो, लेकिन इस तहसील में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ में तहसील निजामाबाद में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, कृपया आप अपने ध्यान इधर दें। आप किसी न किसी तरह से पता लगाकर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जनता आपसे प्रेम करती है, आपके साथ है, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी को जैसे आपकी पार्टी की बदनामी होती है। इन सारे बिंदुओं के खिलाफ हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो। अतरौलिया थाने के भैरवपुर गांव में 31 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक पंकज सिंह के आने की सूचना पर पूरा महकमा तैयारी में जुट गया है। तो वहीं पूरा महकमा जुटा हुआ है, तो वहीं उनके दामाद राजीव सिंह के घर और पूरे परिवार का सुंदरीकरण हो रहा है। गाँव में जो टूटी हुई सड़कें हैं उस पर RCC लगाई जा रही है व गाँव की बाग की साफ सफाई भी की जा रही है। मौके पर कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं साफ सफाई में कर्मचारियों को लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से NSG कमांडो कार्य स्थल पर पहुँच गए हैं। वहीं आपको बता दें SP ट्रैफिक संजय कुमार, ADM अनिल मिश्रा, उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर नवीन प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, भाजपा नेता जयनाथ सिंह आदि लोग मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सन 1990 में राजनाथ सिंह विपक्ष के नेता थे। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उसी समय 1995 में भैरवपुर गाँव निवासी राजीव सिंह, जो कि एक IAS थे, उन्होंने अपनी बेटी अनामिका सिंह की शादी राजीव सिंह से कर दी थी। वहीं राजीव सिंह के दो भाई हैं, एक भाई का नाम रोहित सिंह जो कि USA में प्रोफेसर हैं, एक बहन डॉक्टर प्रीति जो कि नोएडा में डॉक्टर हैं।
वहीं राजीव सिंह पिता महेंद्र प्रताप सिंह जो कि कनाडा में इंजीनियर थे अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजीव सिंह की माता सरस्वती सिंह का निधन 19 मई 2023 को हो गया है। इस बात की सूचना पर भारत के रक्षा मंत्री अपने बेटी के घर भैरवपुर यानी कि आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित भैरवपुर गांव में 31 मई को आने वाले हैं। बता दें कि राजीव सिंह का मूल निवास स्थान अतरौलिया पूर्वा है जो कि जमींदारी के उपरांत भैरवपुर में आकर अपना आशियाना बना दिए हैं। आज सुनाते हैं कि एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा व भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के आजमगढ़ में शिवली डिग्री लोकप्रिय नेता और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का कार्यक्रम भैरवपुर गांव में हो रहा है 31 तारीख को, उसी संदर्भ में हम सब यहां इकट्ठा हैं और शिवली यहां एक ऐसा कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहे हैं त्रहवीं भोज में, और इस नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहेंगे और सुरक्षा विभाग के भी और हमारे ज़िले के सारे अधिकारी भी इसमें व्यवस्था में लगे हैं मनोयोग से, उसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और वो तैयारी सब करें। राजनाथ सिंह आपको बेटे जैसा मानते हैं और आप गृह क्षेत्र में भी आ रहे हैं, इसके बाद निश्चित रूप से ये तो पूरा प्रदेश जानता है, जिला जानता है कि माननीय राजनाथ जी मुझको बेटी की तरह मानते हैं और हम सबका सौभाग्य है कि इस अतरौलिया विधानसभा की धरती पर उनका पदार्पण हो रहा है और हम लोग बड़े ही खुशी मन में हैं कि उनका स्वागत करेंगे और उनका जो भी कार्यक्रम हो उसमें पूरा समय दे करके उनके साथ रहेंगे। राजनाथ सिंह का 31 तारीख प्रोग्राम है, यहाँ पे आप आएंगे, सुरक्षा रिश्ते की क्या व्यवस्था की कैसे की गई इसके लिए? माननीय डिफेंस मिनिस्टर के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हेलीपैड तैयार हो गया है, आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो उनका नार्म्स है उनकी सुरक्षा को उसको पूरा किया जाए। क्या व्यवस्था की जा रही है, कितने बजे तक रहेंगे, क्या रूट ड्राइवर क्या इसके बारे में? 5:00 आएंगे और 5:30 तक कार्यक्रम है। सदर तहसील अंतर्गत आजमपुर गांव के राजभर बस्ती के लोग उपेक्षा का दंश खेल रहे हैं। वहीं चकमार के निर्माण के लिए ग्रामीण 2015 से लेकर अब तक कई बार ग्राम प्रधान व जिलाधिकारी यहां तक के मुख्यमंत्री के यहां भी ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन अब तक चकमार्ग नहीं बन सका। आज पुनः इसी मांग को लेकर राजेंद्र प्रसाद ग्रामीणों संघ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और चकमार्ग को बनवाने के संबंध में आपको बता दें एक ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से बातचीत में ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि गांव में चकमार्ग का निर्माण न होने से हम सभी को आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, जिस समय सबसे ज़्यादा समस्या बरसात के समय होती है, रास्ता कच्चा हो जाने के कारण आवागमन बाधित होता है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान पर राजभर बस्ती को उपेक्षित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान राजभर बस्ती में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं, जिला प्रशासन से उन्हें चकमार्ग बनवाने की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा सुनिए। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद, राजभर ग्राम आजमपुर के निवासी हम लोग हैं, जिला आजमगढ़ के। क्या मामला है आपको? मामला श्रीमान जी ये कि हमारा हम 2015 से चक मार के हमारे पास गांव राजभर बस्ती के अंदर इनको आने जाने में बहुत सुविधा होती है। हम 2015 से जिला अधिकारी जी को SDM साहब को एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीमांकन होने के बाद मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, उसमें मट्टी आज तक नहीं डलेगी। वीडियो साहब को उन्होंने आदेश किया गया था, ग्राम प्रधान को किया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज हम तत्काल 2015 से परेशान हैं और गांव में आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है और इस कारण आज जिलाधिकारी जी महोदय जी से बात हुई है तो कह रहे कि अभी बजट नहीं आ रहा है। ग्राम प्रधान समझें और आपके बीच की बात है। श्रीमान जी से महोदय जी से निवेदन है कि यह प्रशासन जनता के लिए है या पर्सनल के लिए बनाया गया है? ग्राम प्रधान राजभर बस्तियों के लिए नहीं काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, प्रशासन नहीं करना चाहता तो नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी लेटर दिया गया है, हम इन लोगों से दुखी होकर आचार्य ये कर उम्मीद और ये चाहते हैं कि कृपया करके अगर राजभर बस्ती में नहीं कार्य करना है तो इसको निरस्त कर दिया जाए चक मार्गों को। हम इससे दुखी हो गए, हर साल 2-4 महीने बाद फिर वो बारिश हो जाएगी, फिर हर सालों साल टलता रहता है इसका कार्य। 2015 से आज 2023 हो गया, एक चकमार का कार्य नहीं किया जा सकता तो प्रशासन
को इन सबको निरस्त कर देना चाहिए और नहीं चकबंदी विभाग को कभी भी चकमार्ग बनाना चाहिए जिससे जिलाधिकारी जी से महोदय से मिले हैं, उन्होंने बस फॉरवर्ड कर किया जा रहा है। ये जिलाधिकारी जी की कितनी एप्लीकेशन हमारे पास है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी की भी देखिए ये हमारे पास एप्लीकेशन है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो चकमार को जोत रहे हैं, सीमांकन होने के बाद भी चकदार उसको जोत रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चकमार को कंप्लीट किया जाए और खड़ंजा इसे बिछवाया जाए जो भी प्रशासन द्वारा इस कार्य को किया जाता है। अगर इसको प्रशासन करने में असमर्थ है और नहीं कर सकते तो इसको निरस्त कर दिया जाए, जैसे कि हम पगडंडी द्वारा मेड़ के द्वारा ही पहले जो आते रहे उसी के द्वारा हम आते रहे और नहीं चकमार नक्शे में रहेगा न ही हम कार्रवाई करने का अधिकारी रहेंगे। थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं उनके कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें चेकिंग के दौरान हाई स्कूल देवारा कदीम से अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। आपको बता दें कि आकाश कुमार महमराय द्वारा हाई स्कूल देवारा कदीम पर संदिग्ध वाहनों संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अभियुक्त राम अंजल यादव पुत्र कल्लू पुत्र खदेरू साकिन हमीरपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को समय करीब 6:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 170/23 धारा संख्या 3/25 एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चलान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। पूर्व पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें वादरी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि सुधीर पुत्र रामलगन राम निवासी रामपुर जमीन पालना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और वादनी के द्वारा शादी के लिए कहने पर शादी से इनकार कर दिया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 114/23 धारा संख्या 376 504 506 बादवी बनाम सुधीर कुमार पुत्र राम लगन राम निवासी रामपुर जमीन पलना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना की गई है। मैं आपको गिरफ्तारी के विवरण में बता दें तो मोतीलाल पटेल महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुधीर कुमार पुत्र राम लगन राम निवासी रामपुर जमीन पलना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को जियापुर पानी की टंकी के पास से समय करीब 7:30 बजे गिरफ्तार के बाद आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पानी की सराय पुलिस ने नाबालिग को भला फुसला कर भगाने वाले दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वादी मुकदमा थाना आसानी पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मेरी नाबालिग लड़की को चंदन कुमार सनाफ रामाश्रय निवासी घटिया पोस्ट गोपालपुर थाना में नगर जनपद आजमगढ़ द्वारा भला फुसला कर कहीं भगा ले गया, जिसके आधार पर थाना आसानी पर मुकदमा संख्या 87/2023 धारा 363/366 बनाम चंदन कुमार सनाफ रामाश्रय राम निवासी घटिया पोस्ट गोपालपुर थाना में नगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना में धारा 376 बादवी 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। वहीं गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो महेश सिंह महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त चंदन कुमार सनाफ रामाश्रय राम निवासी घटिया पोस्ट गोपालपुर थाना में नगर जनपद आजमगढ़ को मुखबिरी की सूचना पर ऊंची गोदाम के बाजार से गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर अभियुक्त का चलान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र वर्मा। कहाँ आपकी दुकान है? टेलीफोन के आपका आपकी दुकान हटाई जा रही है और आपने नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन भी कराया है, तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया और लोन भी लिया है, क्या पूरे मामला बताइए? रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, 10,000 लोन भी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन अभी हमको नहीं काम था नहीं लिए, लेकिन बहुत आदमी लिए हैं लोन, नहीं लिए संबंध में आप लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठेला खुमचा और जो रेहड़ी पटरी के एक लोन दे करके इनको बढ़ावा देने और इनका भरण पोषण के लिए जो कार्य की है सराहनीय कार्य किया था, लेकिन परंतु यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका जब हारी है और जीतने वाले सपा के लोग हैं और जब जीते हैं तब से ये कह करके कि ये लोग हमारे नहीं और डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दे करके ये पूरा अनर्गल कर रहे हैं, जिस तरीके से साफ सफाई करा रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने
रोड पे जितने गरीब हैं उनका आशियाना उजाड़ जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने डीएम साहब से कहा है कि उनको नगर पालिका से प्रमाण पत्र मिला है और प्रमाण पत्र उनका सब कुछ सर्वे करने के बाद मिला है, तो आखिर इस समय उजाड़ना क्या मतलब है? किसी के पेट पर लात मारना कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कहीं पर सपा का विधायक और सपा का चेयरमैन नौटंकी करता है तो उसकी नौटंकी हम लोग चलने नहीं देंगे, तत्काल इस पर कार्रवाई रोका जाए, अन्यथा हम लोग उसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा करेंगे। और मैंने इतने अभी तो इतने हैं कि सारे लोगों को लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री दरबार तक जाऊंगा कि गरीबों का हक उससे मिलना चाहिए, गरीबों को तत्काल जैसे उजाड़ा जा रहा है ये नहीं उजाड़ने दिया जाएगा। और जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि जो भी आज कार्रवाई होनी थी मैं इसको रोकूंगा। हाँ ये है कि अगर बाई दवे कहीं कोई अतिक्रमण किया भी है तो उसको समझ दीजिए ना, तत्काल जा करके आप उजाड़ दे रहे हो, ठेल दे रहे हो, गुमती फेंक दे रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ये कह रहे हैं कि आप प्रदेश सरकार की योजना है और इसके तहत इसके पहले प्रदेश सरकार नहीं थी क्या? आप बताइए ना, आप लोग तो एक समाज में घूमने वाले व्यक्ति हैं, इसके पहले कहाँ इस तरीके से तोड़ा गया था? गुंडे माफिया का तोड़ा गया होगा, गरीबों का तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कहे, तत्काल बोलते हैं कि अगर गरीबों का कहीं कोई बात ऐसा सरकारी जमीन पे अगर गरीब बसा है तो अगर उसका तोड़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं संरक्षण करे, सरकार बोल रही है, सरकार से ऊपर हो गए ये लोग। लेकिन हाँ आजमगढ़ में ये लोग सरकार नहीं मानते हैं, आजमगढ़ चूंकि दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जीतते हैं तो ये लोग जीतेंगे, तो ये लोग अपने पदों का दुरुपयोग करके अधिकारियों को गुमराह करके अधिकारियों पर अनैतिक दबाव डाल करके ये लोग काम कराना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबों का कतई एक भी दुकान अब नहीं हटेगी, अगर ये लोग हटाएंगे तो उसके लिए हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। किस समस्या के लिए आप लोग यहाँ आए? आज हम लोग की दुकानें जो है अतिक्रमण में उजाड़ दी गई हैं और नगर पालिका से हम लोगों को 20,000 रुपया लोन दिया गया, बुला कर लोन दिया गया कि आइए आप लोन ले लीजिए, इसलिए ये अपनी रेहड़ी पटरी दुकान लगाने के लिए। और हम लोग को प्रधानमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र भी मिला है और ये लोन देकर अब हम लोग की दुकानें उजाड़ दी गई हैं, हम लोग लोन भरेंगे कहाँ से? ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ मतलब रोजी रोटी ना चले और दुकान वो की उजाड़ गई और सारी सामान भी नुकसान हुई और कुछ सामान नगर पालिका द्वारा लाद के उठा लिया गई है। बहुत हम लोग सामान क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं और हम लोग को अस्थाई जगह दी जाए और हम लोग की दुकान जैसी थी फिर हम लोग की रोजी रोटी लगाई दी जाए, हम लोग इस उम्र में बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे? लोन लोन हम लोग को नगर पालिका से मिली है और जबरदस्ती फोन करके बुला कर भी दिया गया है। और जहाँ पे लोन दिए हैं वहीं हमें, जब नगर पालिका ने लोन दिया तो नगर पालिका आपका दुकान क्यों उजाड़ रही है? हाँ हाँ वही तो हम लोग को नहीं समझ में आया कि नगर पालिका लोन भी दी है, प्रमाण पत्र भी दी है और उजाड़ भी रही है। कब से यह कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई आज 10 दिन से हो रही है। पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित राम रामायणगिरी की मकान से सटे दक्षिण तरफ पुश्तैनी रास्ता व खड़ंजा है, जिससे होकर उन्होंने बताया कि हम व हमारे परिवार आते जाते हैं, हमारे घर तक आवागमन हेतु खड़ंजा रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, उसको विपक्षी जेसीबी ने उखाड़ कर कब्जा एवं बाउंड्री वाल मरवाना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने उच्चाधिकारियों से भी की है, उच्चाधिकारियों ने रास्ता पर कब्जा न करने की हिदायत विपक्षी गण को दी है। वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेकिन स्थानीय SHO व SI विपक्षी के दबाव में आकर खुद खड़ा होकर हमारे एकमात्र रास्ते को कब्जा करा रहे हैं, विरोध करने पर हमारे परिवार की महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए महिलाओं को मारे पीटे और थाने में ले जाकर बर्बरतापूर्वक उनके साथ मारपीट कर 8 महिलाओं का चालान कर एक पक्षी कार्रवाई किए हैं। यही नहीं, परिवार की एक युवती को इतना मारा है कि उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा है और कान में अंदरूनी चोट के कारण दर्द से कराह रही है। विपक्षी से जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय का फैसला आया है, जिसका सीमांकन कर विपक्षी को कब्जा दखल भी करा दिया गया है। न्यायालय के फैसले की आड़ में विपक्षी सीमांकन से ज़्यादा कब्जा करने के लिए खड़ंजे को JCB लगाकर उखाड़ दिया है और हमारे एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया है, जिसमें स्थानीय पुलिस विपक्षी के अनैतिक प्रभाव में आकर हमको तरह तरह से परेशान कर रही है। स्थानीय पुलिस ने हमको धमकी दिया है कि इसकी शिकायत की तो तुम्हारे परिवार पर फर्जी मुकदमा लाद कर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और गला दबा कर ठीक कर दूंगा। महिलाओं को धमकी दे रहे हैं कि उल्टा करके मारूंगा, जिसका साक्ष्य हमारे पास वीडियो एवं ऑडियो के रूप में मौजूद है।
हमारे पास एक कच्चा मकान है, हम काफी गरीब हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन गुजर बसर कर पा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी व स्थानीय पुलिस द्वारा हम लोगों का मानसिक एवं चारित्रिक रूप से शोषण व हनन किया जा रहा है। वहीं सीमांकन से ज्यादा हो रहे कब्जा को मुक्त कराने एवं उखाड़े गए खड़ंजे को पुनः लगवाए जाने के लिए हम एकमात्र रास्ते से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित रामायण गिरी ने और महिला ने, सुनी। रामायण गिरी पनिया गौर बरतानी अरौला, क्या मामला है? आगे हमारा रास्ता रोक दिया गया है। विपिन, अजय, ओम प्रकाश और ये विनोद, रजेश, रमेश, उत्कर्ष, आकाश जी, हमारा खड़ंजा उफाड़ करके जीसीबी से इन्होंने कहा अरे छरद्वारी मार रहा है, हम रोकने के लिए जाते हैं तो ये कहना अरे हमको थाने पे जाते हैं, थाने पे शिकायत किए हमको, आके हमको ही उल्टा उठा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज यहाँ पर आए हैं तो क्या सोचा? और वो इसमें कहना नेकपाल, इसमें नेकपाल और एसडीएम तहसीलदार साहब का रिपोर्ट लगा है, बिना उनके आने ही कहना रास्ता बंद कर रहे हैं और हमको उल्टा ले जा करके, हमको हमारे बीवी बच्चों को ले जा करके वहाँ थाने पे कहना मारपीट करते मारते हैं। आज यहाँ पर क्या आज यहाँ साहब के पास गए तो आज कहना अरे वहाँ गए उनको बताए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया जाएगा और रास्ता खुलवाया जाएगा। जय कला, कहाँ से रहने वाली हैं? पनिया गांव। थाना अरावला। क्या मामला है, क्या जाते हैं? मामला साहब है कि हमारी रास्ता ये अजय, विपिन और ओम प्रकाश, रमेश, राजेश, उत्कर्ष, आकाश ये लोग खरंजा एसडीएम द्वारा लगा था, प्रधान लगवाए थे, एसडीएम साहब खड़े थे, प्रधान लगवाए थे, जो उनकी डिग्री हुई थी वो अपना ज़मीन बना लिए थे, जो हमारा खरंजा था वो उधेर करके जिस भी मशीन से उसमें दीवार मार रहे हैं। जब हम लोग रोकने जा रहे हैं तो हरौला थाना एसओ वो लोग आ करके हमारे लड़की को, हम लोग को गंदी गंदी गाली देते हैं और घसीट करके जीप में बैठा के थाने पे ले जाते हैं, हमारे लड़की को मारे हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, यही हमारी लड़की है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, हमारी जेठानी को मऊर पकड़ के ऐसे उनका सुरेंद्र नाम है लाश से मारे हैं, और उन वहाँ थाने पर ले जाके लाश से भी मारे थे, हमको भी मारे थे, और बोलते हैं कि ये लोग को उल्टा घुसेड़ो, गंदी गाली देते हैं, और उसके बाद हम लोग को 151 में चालान भी कर दिए। क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं साहब, हमारी रास्ता हमारी नहीं है, पूरे गांव की रास्ता है, पूरा गांव आता जाता है। थानेदार के ऊपर कार्रवाई हो, हमारी रास्ता बरकरार। आप क्या आश्वासन मिला है, क्या कहें? तू बोला कार्रवाई। 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री राम मौनी जी महाराज रुद्र महायज्ञ का समापन हो गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के श्री राम जानकी मंदिर खालिसपुर कुटी गोपालगंज में रुद्र महायज्ञ और मौनी बाबा मूर्ति स्थापना दिवस आज दिन सोमवार मंत्र उच्चारण के साथ स्थापित किया गया। यह यज्ञ दिनांक 23 मंगलवार को कलश यात्रा जो कि हाथी घोड़े के साथ निकाली गई थी। वहीं कथावाचक अशोकानंद महाराज जी और यज्ञकर्ता शुभम दास जी महाराज के सानिध्य में किया गया। इसमें मुख्य यजमान के रूप में ओम प्रकाश सिंह इत्यादि लोग और क्षेत्रवासियों के सहयोग से यज्ञ का आखिरी दिन आज भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको TV20 न्यूज़ पर, जहां श्री श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री राम लाल मौनी जी महाराज का रुद्र महायज्ञ का आज समापन हो गया। चलिए महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपेंद्र पांडे, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चीफ ब्यूरो। तो इस यज्ञ से क्या उपदेश देना चाहते हैं समाज में? श्री राम जानकी मंदिर
कालेश्वर में चावल को पायल आजमगढ़ में या महाराज जी श्री श्री खजारा दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्री मौनी जी महाराज की तपोभूमि थी। महाराज जी ने यहाँ अनेक वर्षों तक लगभग 10 वर्षों तक पंचाग्नि तापे थे जी और यहाँ तपस्या किए थे और इस क्षेत्र में ये रुद्र महाजज्ञ और महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दिवस आज है। यह यज्ञ 7 दिनों से चल रहा है। आज इस यज्ञ का विश्राम दिवस है और यज्ञ यज्ञादि से ना कि मनुष्यों का कल्याण बल्कि पूरे जीव जंतु का कल्याण, पूरे वातावरण का कल्याण, पूरे जंतु का कल्याण, पक्षी मनुष्य पूरा वातावरण इससे सुख हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। इस्लामाबाद पुलिस ने जनसेवा केंद्र से 5 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वादी मुकदमा भोलेनाथ सिंह पुत्र मिल्लू सिंह निवासी मुइया मखदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि उनके ग्राहक के वास केंद्र नंद बाजार तहसील के सामने से लगभग 5 लाख रुपये जो कि दिनांक 3/4/2022 को कि रात में ग्राहक सेवा केंद्र का शटर उठाकर काउंटर का ताला तोड़कर लिया गया है। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 504/22 धारा संख्या 357/380 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसके संबंध में गिरफ्तारी का विवरण आपको बता दें तो सूरज कुमार चौधरी महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों को मोहम्मद इस्माइल अंसारी पुत्र जलील अंसारी ग्राम और गाँव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार, अनिल सिंह पुत्र दुखदेवन सिंह पता ग्राम और गांव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार को मुखबिर की सूचना पर उदयभान इंटर कॉलेज नदौली से करीब समय 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। निजामाबाद के सभागार में सोमवार को लोकसभा प्रभारी घनश्याम पटेल लोकसभा संयोजक विनोद राय के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रभारी मंडल अध्यक्ष तथा मंडल प्रभारी मौजूद रहे। लोकसभा लालगंज संयोजक विनोद राय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता कार्यकर्ताओं के बदौलत पहुंचाने का प्रयास होता है। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार के 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिन्हें सफल बनाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं सामाजिक समीकरण के तहत प्रबुद्ध जन व्यवसायी किसान आम लोगों से संपर्क कर आम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पूर्णकालिक विस्तारक निश्चल दुबे ने आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर रणविजय राय, संतोष गोड़, सूर्य नारायण तिवारी, गगन कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। सर, कहाँ नाम है आपका? मैं घनश्याम सिंह पटेल हूँ, लोकसभा प्रवास योजना में लालगंज लोकसभा का प्रभारी हूँ। हमारे साथ विनोद राय जी हैं, आप जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं आजमगढ़ के और इस लोकसभा के संयोजक। सर, कौन सा कार्यक्रम है आज का? आज कोई एक योजना रचना की दृष्टि से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल नई संसद भवन का उद्घाटन किया है और देश को समर्पित किया है, तो अपने लोकसभा प्रवास योजना उनको बधाई भी देती है। देश के 140 करोड़ लोग उससे गौरव का अनुभव कर रहे हैं। लोकसभा प्रवास योजना में हम सांगठनिक ढांचे पर बातचीत करने के लिए तैयारियों के लिए हम बैठे हैं। ये 24 की तैयारी की शुरुआत है? हाँ, ये 24 की ही तैयारी की शुरुआत है और आप सब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर सांगठनिक कार्यों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनमानस के बीच रहती है और चुनाव की दृष्टि से तो हम काम करते ही करते हैं पर समाज की सेवा की दृष्टि से भी काम करते हैं। से जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी ठेला गुमचा वालों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण अभियान के चलाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी ठेला गुमचा वालों के साथ डीएम कार्यालय पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में दुकानदार पहुंचे थे। आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके दुकानों के सामानों वह ठेला गुमटी आदि को नगर पालिका प्रशासन उठा ले गया है। यही नहीं, नगर पालिका ने जब उनको पटरी के दुकानदार के रूप में चिन्हित कर प्रमाण पत्र दिया है तो फिर उन्हें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? सभी ने यह मांग किया है कि उन्हें अपनी अपनी दुकानों को लगाने की अनुमति फिर से दी जाए, फिर दूसरे स्थान पर जगह मुहैया कराया जाए।
मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा सुनिए।